स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम थी जिसमें लड़कियों को चालीस हजार रूपए मिलते हैं वो बढ़ के पचास हजार हो गए हैं नहीं अब गुड गवर्नेंस की तरफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो कम्पलीटली स्विच ओवर कर गया है हमारी आई टी पुलिस की जितनी भी स्कीम्स हैं वो जो है ऑनलाइन है जिसका है जनसुगम डॉट जेके डॉट जी ओ वी डॉट इन आप देख रहे हैं यंग बाइट्स मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर आज के हमारे वुमन इंपावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ममता राजपूत से सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच मैम वुमन इंपावर पे हम बात कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम्स जो है लेकर आते है क्या कुछ नई स्कीम जो है लेकर आई हैं ले आएं और क्या कुछ पुराने पर जो है काम किया गया है देखिए जैसे कि वेमेन एम्पावरमेंट की बात है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के आ, जो अभी बात करें हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तो आ, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल से जो है स्कीम्स लेकर आए हुए हैं डिपार्टमेंट जिसमें क्या है हमारा महिला शक्ति केंद्र रहता है जैसे कि आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन है इसमें क्या है ग्राउंड लेवल पे जो है लेडीज़ उन उनके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनमें उनको अपने बिजनेस सेटअप्स जो हैं यूनिट सेटअप करने के लिए हो या जैसे कि उनको लोन प्रोवाइड करना है पिकल मेकिंग जैम कैसे बनाई जाती है हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ कैसे वो अपना एक यूनिट जो है वो सेटअप कर सकते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई है साथ में उनके जो डे टू डे लाइफ में उनको जो दिक्कत आती हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई आधार कार्ड कैसे लेना है यू डी कार्ड कैसे लेना है डिसबिलिटी सर्टिफिकेट या बहुत बेसिक आप देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसके लिए भी फीमेल्स की जो हेल्प की जाती है कि वो उनके महिला शक्ति केंद्र में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स हैं वो मदद करते हैं फीमेल्स की तो बेसिक लेवल पे एम्पावरमेंट तो यहीं से शुरू होती है तो ये जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये प्रोवाइडेड है उसके साथ ही साथ मैं बता दूँ वन स्टॉप सेंटर जो है हमारा जिसमें जो सखी सखी सेंटर बोला जाता है एनी वीमेन हु इज़ इन डिस्ट्रेस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं ट्वेंटी फोर सेवन जो है अवेलेबलिटी है वहाँ पर जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर विमेन कभी भी कॉल करती हैं और उनको जो है मदद पूरी तरीके से जो प्रोवाइड की जाती है चाहे वो लीगल एड हो पुलिस की असिस्टेंस हो चाहे उनको ठहराने की बात हो कि एमरजेंसी में वो कहाँ रुकेंगी वो भी शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है तो इस तरीके से तो है काम हो ही रहे हैं कई तरह का बदलाव तो आया है महिलाओं की बात की जाए तो ऐसा आप क्या मानते हैं खुद पर्सनली अगर आपकी बात की जाए तो महिलाएं पहले क्या कुछ नहीं कर पाती थी और अब जो है इन स्कीम्स के कारण जो है वो ईजिली ग्रैप कर पा रही है इन स्कीम्स हाँ देखिए पहले तो फीमेल्स को अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी देखा जाए अगर आप देखें उसको भी तो लेडीज सहती थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो किस एंड तक मतलब वो उनका जो राइट है उनके बारे में भी वो नहीं उनको पता था तो इसके एब्सेंस में जब नहीं था उनके बीच में इतनी अवेयरनेस के व्हाट कैन बी डन तो वो सह रही थी सह रही थी अब जब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं लोगों तक पहुंचे हैं लेडीज़ तक पहुंचे हैं डोर टू तो डोर जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की गई है तो अब ये है कि केसेस भी फीमेल आ रही हैं आई टेल यू कि दे आर लाइक वन ट्वेंटी वन केसेज जो अभी हमारे पास आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही चाहे छोटे मोटे ही हों चाहे बाद में हमने उनकी बाहर आ रही है अब एग्जेक्टली exactly. चाहे हमने उनके बाद में जो है काउंसलिंग भी है घर वालों की तरफ से भी हमने उनको कॉम्प्रोमाइज करवाया बट द थिंग इज कि पहले फीमेल्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो वो घर पे ही दबी रहती थी और वो सहती रहती थी अब उनकी वॉइस रेस करने का उनको भी पता है कि हम किसी की मदद हमें मिल सकती है कि इस इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकें तो इस तरीके से मुझे लगता है इट्स इट हैज बीन मतलब एस ए टू बी अ वेरी गुड इनिशियटिव ऑफ दिन ऑफलाइन से हम ऑनलाइन की तरफ आए विडोज पेंशन की बात की जाए तो उनके लिए भी कई तरह की सहूलियत जो है ना प्रोवाइड की जा रही है क्या कुछ उसमें इंक्लूडेड है जी देखिए हमारी जो डिपार्टमेंट की आई ट्रिपल एस स्कीम रहती है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो उसमें जो है डिफरेंट कैटेगरीज में पेंशन दी जाती हैं ओल्ड एज पेंशन है विडो पेंशन है फिजिकली uh, जो हैंडीकैप रहते हैं हमारे दिव्यांग दिव्यांगजन उनके लिए भी पेंशन है जिसमें एक हज़ार रुपये प्रति माह मिलते हैं उसमें हमारा पहले uh, जो मैं बात करूं विडो पेंशन की तो जो फीमेल्स रहती थी फोर्टी प्लस उनको दिया जाता था लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें क्या किया गया है कि रिवाइज़ की गई है जो एज थी लिमिट अब 18 प्लस वीडो जो होगी उसको भी पेंशन मिलेगी तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छा स्टेप है सबने सराहा है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर देखिए तो एटीन प्लस भी बहुत सारी विडो जो हमारे पास जिनकी

क्योंकि दफ्तरों में चक्कर लगाने की बात करें वो है नहीं है अब गुड गवर्नेंस की तरफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीटली स्विच ओवर कर गया है आप बात कीजिए पेंशन की स्कॉलरशिप की चाहे स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम की ही जिसमें पी एच एच ए वाई राशन कार्ड होल्डर लड़कियां जो पुअर गर्ल्स रहती हैं उनको जो है हम पैसा देते हैं शादी के लिए पहले ये सर्वे होता था जब सर्वे होता था उसके अंदर ये जो लड़कियां आ पाती थी या नहीं भी आ पाती थी चाहे वो गरीब होती थी चाहे वो मतलब गरीब नहीं भी मतलब जो बहुत ज़्यादा नीडी भी होती थी अगर वो सर्वे से छूट जाती थी तो उन्हें असिस्टेंस नहीं मिल पाती थी लेकिन अब यही है सर्वे को छोड़ के अगर कोई भी लड़की आती है जिसके पास पी या ए राशन कार्ड है तो उन लड़कियों को मैरिज असिस्टेंट पचास हज़ार के प्रोवाइड की जाती है सेकेंडली हमारी आई ट्री एस की जितनी भी स्कीम्स हैं वो जो है ऑनलाइन है अब घर बैठे कोई भी कहीं से चाहे खिदमत सेंटर से चले जाए या घर में किसी भी नौजवान की या घर में जो रहते हैं मेंबर्स उनके मोबाइल के थ्रू ही मदद इट्स अ वेरी वेरी फ्रेंडली पोर्टल जिसका है जनसुगम डॉट डॉट जी ओ वी डॉट इन तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी वेर इट्स अ वेरी फ्रेंडली पोर्टल अब दफ्तरों के चक्कर लगाना और कहाँ हमारी फाइल पहुँची है क्या उनसे उन तो उनको अब इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वो जो है सेंशन होकर ओल्ड पेंशन की बात की जाए तो जिस तरह से आपने कुछ समय पहले बताया कि प्रतिमा जो हजार रूपये दिए जाते हैं तो क्या इसमें भी इंक्रीटमेंट करने की जो है गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे क्योंकि एक हजार रूपये मात्र में गुजारा नहीं हो पाता है, तो क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप इसको लेकर कोई बढ़ोतरी की जाएगी या आने वाले समय में अभी ये इसके बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि आई एम नॉट इन ए पोजीशन ये तो हरुद या गवर्नमेंट का है कि वो क्या करते हैं इस दिशा में लेकिन ये है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम रहती है वो डिपार्टमेंट हमेशा सुनता है गवर्नमेंट हमेशा आगे से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है जो भी प्रॉब्लम लोगों की रहें तो इसके अलावा मैं लोगों से मैं अपील करती हूँ कि खासकर ओल्ड एज पेंशन होल्डर्स कि वो अपना रिवेरीफिकेशन करवाएं जन सुगम डॉट जेके डॉट जी ओ वी पोर्टल पर जाएँ और जो भी उन जो पेंशन पहले की भी ले रहे थे मैं उनकी भी बात कर रही हूँ क्योंकि रीवेरीफिकेशन भी हो रही है तो वो दोबारा से अप्लाई कीजिए पी एच एच ए वाई राशन कार्ड अपना लगाएं अपना आधार कार्ड लगाएं डोमिसाइल लगाएं एग्जेक्टिव या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का जो है एफिडेविट लगाएं कि वो किसी और सरकारी दफ्तर या उससे असिस्टेंस नहीं ले रहे हैं ये इसीलिए है तो उसके कारण जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं

बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हमारे साथ ममता राज को जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर से महिलाओं के लिए काफी खूबसूरत मैसेज दिया और ये कहा कि सपना देखना कभी भी बंद ना करें अगले बड़े का फिर मैं हाजिर हूँ तब तक ला आप देख दे रहेंगट्स बिरजा अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर यंग बाइट्स जम्मू